दोस्तों, एक जमाना था जब भाइयों में इस बात की लड़ाई होती थी कि माँ को मैं अपने साथ रखूंगा। हर भाई बोलता था कि माँ को मैं अपने साथ रखूंगा, लेकिन आज जमाना ऐसा है कि भाई बोलते हैं, भाई इस माँ को तू ही अपने पास रख ले यार, मुझसे अब ये झंझट बर्दाश्त नहीं होता। एक जमाना था जब नई बहू घर में आने से पहले ये सोचती थी कि मुझे भरा पूरा परिवार मिले, घर के सदस्य हो, ढेर सारे हो, मैं सबकी सेवा करूँ, सबका दिल जीत लूँ और सबके दिलों में राज करूँ। लेकिन आज बहू शादी से पहले सोचती है कि बस घर पे पति हो, एक आध बहन हो, उसके माँ बाप तो हो ही नहीं, मर चुके हो तो अच्छा है, और अगर हो तो पति शादी के बाद अलग रखे, मैं अपने सिर्फ पति के लिए रोटी बना सकती हूँ, पति की सेवा कर सकती हूँ, उसके बूढ़े माँ बाप ना हो तो अच्छा है। दोस्तों, पहले सासू माँ ये सोचती थी कि जैसे ही नई बहू घर में आएगी, मैं उसकी हड्डियाँ तोड़कर उसे एहसास कराऊंगी कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। लेकिन आजकल की नई बहुएं ऐसी है जो सास की इस बात को जानती है कि उससे लड़कर नहीं जी सकते। कहते हैं पहले 24 साल माँ बाप बच्चे को पालते थे, लेकिन आज 24 घंटे में बीवी जो एक पति को पाल देती है, 24 घंटे के अंदर कैसे उसे बाटली में उतारती है, कैसे रोने धोने का नाटक करके एक रात में पति के दिमाग पर कब्जा कर लेती है। सुबह उठते ही सासू माँ की जब आंखें खुलती है तो उनके दिल से एक ही आवाज़ आती है, उई माँ। पहले बेटा दिन भर थका हारा जब घर पे आता था तो आके अपनी माँ को गले लगाता था, माँ तूने कुछ खाया कि नहीं खाया, तूने दिन में आराम किया, तेरी तबीयत कैसी है। लेकिन आज जमाना उल्टा है, लड़कियों के माया जाल में लोग ऐसे फंसे हैं कि शाम को थके हारे घर के आते ही सीधे अपनी डार्लिंग को गले लगाते हैं और उसी से दिल का हाल चाल पूछते हैं। पहले माँ को लगता था कि जो सबसे गरीब बेटा है उसके साथ रहूं ताकि उसे काम धंधा सिखाऊं, उसको सहारा दूं, लेकिन आज जमाना उल्टा है। आज माँ बाप बहुत जल्दी ये भांप लेते हैं कि कौन सा बेटा ज़्यादा पैसे वाला है, किसके साथ रहना है। आज माँ बाप पैसे वाले बेटे के साथ रहना चाहते हैं, गरीब बेटे को बातों ही बातों में कब दरकिनार कर दिया जाता है बेटे को पता ही नहीं चलता। क्या करें, कलयुग है।